तरह से पटना सिटी में 5 दिन में 5 हत्याएं श्री गुरु गोविंद जी महाराज जी की धरती पटन देवी माँ की धरती पर जिस तरह से रक्त रंजित है, अपराधियों का तांडव है, व्यवसायों में जो भी व्यापारी हैं उन सभी में खौफ है। आज ये मजबूर कर दिया है यहाँ पर धरना करने के लिए। आदरणीय पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार हम लोगों ने एक दिवसीय धरना दिया है ताकि जो भी यहाँ पर पटना सिटी वासी है वो भय मुक्त हो, अपराध मुक्त हो, क्योंकि ये प्रशासन का हाथ खाली है। 5 हत्याएं हुए हैं, अपराधी कहाँ है, प्रशासन जवाब नहीं दे रही है। यही पटना सिटी जो 1000 करोड़ रुपए का टैक्स भरती है, पूरे एशिया में परचून का व्यवसाय यहाँ फेमस है, सबसे बड़ा व्यवसाय है, और यहाँ व्यापारियों में खौफ है, अपराधियों अपराधी का खौफ है, अपराधी में प्रशासन का खौफ ही खत्म हो गया है। बिहार सरकार शराब खोजवाने में व्यस्त है, अपराधी खोजवाने में व्यस्त नहीं है। सबसे बड़ी बात कि हम लोगों की मांग है कि जो भी अपराधी हैं उनको फांसी की सज़ा हो, स्पीडी ट्रायल के तहत उनकी सज़ा हो, और साथ में जितने भी यहाँ अपराधी हैं उन सबको सिलेंडर किया जाए और पटना सिटी को भय मुक्त अपराध मुक्त किया जाए। यदि प्रशासन हमारी मांगों को पूरी नहीं करती है तो हमारा आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा, उग्र होगा, और आदरणीय पप्पू यादव जी का साफ निर्देश है कि यदि जब तक पटना सिटी को मैं भयमुक्त अपराध मुक्त नहीं कर देता हूँ, मैं चैन से नहीं बैठूँगा। और जो भी व्यापारी हैं उनका सुरक्षा के लिए सुरक्षा एक्ट लाए सरकार, और जो राज्य सरकार रात दिन शराब की चर्चा करती है विधानसभा में, वो अपराध का भी चर्चा करे।